नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रोशन कुमार। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उन भाइयों के लिए बात करेंगे जो सीएससी का आईडी लेना चाहते हैं। हालांकि इससे पिछले वाला वीडियो में हम बता दिए कि आपको सीएससी का आईडी कैसे मिलता है। उसमें हम बताए थे कि ऑपरेटर का आईडी सीएससी के आईडी से आप लोग कैसे लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया। वहाँ पर नीचे में बहुत सारे भाई हमारे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको सीएससी का आईडी कैसे लेना है। तो इस पर एक बंदा उधर से जो बंदा है वो कमेंट कर रहा है, कमेंट का रिप्लाई दे रहा है। वो बंदा कौन सा है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, वो बंदा है सीएससी ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से। तो जैसे ही आप लोग लिखते हैं हमारे वीडियो के कमेंट में कि सर हमको सीएससी का आईडी चाहिए, तो वो बंदा आके क्या बोलता है, सीएससी ऑनलाइन सपोर्ट जो है ये बोलता है कि जी ब्रो आपको सीएससी आईडी मिल जाएंगे, आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं सीएससी आईडी के लिए। कैसे सीएससी का आईडी दे देगा ये? क्या सीएससी का मैनेजर है? क्या ये सीएससी का डीएम है? मतलब दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। तो इसका हम कमेंट देखें, ठीक है। कमेंट में एक भाई जो मेरा है मोहम्मद अली, ये बोल रहा है कि सीएससी ऑनलाइन सपोर्ट, मतलब उस बंदा को बोल रहा है कि अबे तू क्या मतलब आईडी देगा, इन पे लगा दियो, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संतुल मित्रा जो बोला, ये कहा सही कहा भाई, अगर आपका मैं बात मानता तो इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बंदा जो है नंबर दे देता है, ठीक है। नंबर देने के बाद ये आपको बोलता है कि कॉल करने के लिए आपको सीएससी का आईडी मिल जाएंगे। अगर आप लोग उस नंबर पर कॉल करते तो आपको ये 1500 रुपया ले लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं, आपको कोई भी आईडी नहीं देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन सभी के चक्कर में ना पड़ेंगे। मेरा कोई भी वीडियो में आपको कॉलिंग नंबर नहीं मिलेंगे, इंस्टाग्राम का आईडी मिलता है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट को कोई भी रिप्लाई करते हैं तो उसका आप लोग जवाब नहीं देंगे और उस पर आप लोग कॉल नहीं करेंगे। जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बंदा पहले सीएससी ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से था, ठीक है। तो हम जैसे ही ये कमेंट देखे तो इसको हम अपने चैनल पर हाइड कर दिए, मतलब इसको ब्लॉक कर दिए। ये ज़िंदगी में कभी भी हमारे वीडियो में कमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये बंदा किया क्या, इन्होंने फिर से अपना नया ईमेल आईडी बना लिया, ठीक है। नया ईमेल आईडी बनाने के बाद फिर से हमारे वहीं चैनल पे आए, फिर से वहीं वीडियो पे आए, फिर से हर एक जो बंदा कमेंट किया है कि हमको सीएससी का आईडी चाहिए, तो ये सभी पे अपना नंबर मैसेज कर रहे हैं। फिर से ये जो नया ईमेल आईडी बनाए वो क्या बनाए, ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से, ठीक है। ऑनलाइन ओनली सपोर्ट के नाम से इन्होंने फिर से ईमेल आईडी बना लिए और फिर से वहीं नंबर से ये मैसेज कर रहे हैं। तो एक बंदा है जो कि मेरे चैनल पे पहले ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन वो क्या करे, फिर से नया ईमेल आईडी बना के फिर से मेरे चैनल पे आ जाते हैं और फिर से कमेंट करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बंदा, ठीक है, अगर आपको कॉलिंग नंबर देता है और बोलता है कि आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सीएससी का आईडी सिर्फ 5 मिनट में दे देंगे, तो आप अलर्ट हो जाइए, आपके साथ फ्रॉड करेगा, ठीक है। किसी का भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको सीएससी का आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो सीएससी आईडी अगर आपको लेना ही है तो आपको लीगल प्रोसेस से गुजरना होगा, तभी आपको सीएससी का आईडी मिलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होंगे कि मेरा भी पहले पेंडिंग में था, वो अप्रूव हो गया है। तो वो कैसे अप्रूव हुआ है, क्या करना पड़ा हमको, क्या नहीं किया, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊंगा। लेकिन कोई भी हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट करता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उस बंदा को आप लोग या तो अवॉइड कीजिए या उसे आप लोग कोई कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम किसी को भी मोबाइल नंबर देखते हैं तो उसको हम तुरंत ही अपने चैनल पे हाइड कर देते हैं, वो हमारे वीडियो में कमेंट नहीं कर सकता। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो बंदा पहले सीएससी ऑनलाइन सपोर्ट के नाम से था, ठीक है, मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, वही मोबाइल नंबर, इसको जैसे हम हाइड किए, अपने चैनल से ब्लॉक किए, तो ये फिर से अपना न्यू ईमेल आईडी ऑनलाइन ओनली सपोर्ट के नाम से बना लिया और फिर से वही मोबाइल नंबर देख के हर एक बंदी को कमेंट कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सभी के चक्कर में नहीं पड़े, ये सब दोगले है, ठीक है। ये सभी आपको कोई भी आईडी नहीं देंगे। हमको 100% पता है कि वो बंदा भी ये वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि वो मेरा वीडियो देखता है तभी वो कमेंट करता है। तो आपसे निवेदन है कि आप सतर्क हो जाइए, और हम जो भी वीडियो बनाते हैं और हमारे जितने भी भाई हैं वो कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई देना मेरा काम है, ठीक है, आपका काम नहीं है। आप अपना काम देखिए, ठीक है। आप किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दीजिए, अगर मोबाइल नंबर दीजिएगा, अगर आपको अगर मोबाइल नंबर दीजिएगा तब हम अपने ओर से एक्शन लेंगे, ठीक है। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिसके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है या आपके पास कोई भी स्क्रीनशॉट है, हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। और आपको जब हम कमेंट करें, मतलब हमारे चैनल से कमेंट आता होगा, वो तो आपको पता ही चल जाते होंगे कि हम अपने चैनल से किसी को कमेंट करते हैं, या हम अपना इंस्टाग्राम आईडी दिए हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी इंद्रभूषण कुमार 31 है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम जो रिप्लाई करेंगे वही होंगे, ठीक है। आप किसी के चक्कर में ना पड़ेंगे। कमेंट में कोई भी बंदा अगर कुछ भी नंबर मैसेज कर रहा है तो आप लोगों से निवेदन है उस नंबर पर कॉल ना करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होगा, फिर आप इसका जिम्मेदार खुद होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई अगर बोल रहा है कि सीएससी का आईडी आपको देंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप 1 भी रुपया नहीं दें, क्योंकि सीएससी का आईडी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है।
जो लीगल तरीका है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको सीएससी आईडी अप्रूव करना है, क्योंकि पहले भी मेरा पेंडिंग था, उसको हम कैसे अप्रूव किए, कितना टाइम लगा, ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।